Hey guys, welcome back to my channel. This is me, Rani Chaudhary. Today I will share with you a quick review about Clinique Dermatically Gel Moisturizer. So let's get started. सो गाइस, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें किस टाइप की पैकेजिंग रिसीव होता है एंड क्या एक्चुअली आपको मिल जाता है. सबसे पहले ये दिखाने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी. आई रियली इम्प्रेस अबाउट द पैकेजिंग एंड ऑल क्लिनिक की एंड द प्रोडक्ट क्लिनिक की जो होता है वो बहुत ही बेस्ट होता है. बट मुझे ट्राई करना था और मैंने काफ़ी दिनों से ट्राई किया है, तो उसका रिव्यू एंड उसका एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. अगर आप लोगों को ये जानना है तो ये वीडियो एंड तक देखिए एंड बीच में अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड शेयर कर देना. पहले हम देख लेते हैं कि आप ये जो क्लिनिक आईडी ड्रामेटिकली जेल जो मॉइस्चराइजर है इसको आपको किस टाइप से रिसीव होता है. ओके, सो चलो, हमें इस टाइप के पैकेजिंग में आता है ये क्लिनिक आईडी ड्रामेटिकली डिफरेंट हाइड्रेटिंग जेली एज यू कैन सी. एंड इसमें आपको सारे इंस्ट्रक्शन यहाँ पे मिल जाते हैं एंड दिस इज फॉर 2,800 रुपीज. पे आपको सारे जेल जो भी उनके जो जेल वाला पोर्शन है उसके बारे में यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन मिल जाते हैं. और यहाँ पे कार्टेज, जो कार्टेज इसके अंदर डालता है वो कार्टेज जो आपको पसंद है वो कार्टेज आप यूज कर सकते हो. मैंने यहाँ पे ये ब्लू कार्टेज लिया है. ओके, दिस ब्लू कार्टेज इज फॉर अनइवन स्किन टेक्सचर के लिए है. तो यहाँ पे आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाता है. एंड व्हाइट अगर आप लेना चाहते हो, व्हाइट कार्टेज जो होता है वो अनइवन स्किन टोन के लिए होता है. एंड ऑरेंज वन इज फॉर फैटिग एंड आई हाईली रिकमेंड दिस पर्पल वन जिनका फाइन लाइन्स है, रिंकल्स है. दिस इज वेरी वेरी नाइस. के अंदर आपको मिल जाता है जेली जो इस टाइप का होता है. ठीक है, सो इस टाइप का आपको जेली मिल जाता है. ये ऐसे ओपनेबल है. ऐसे जार मिल जाता है एंड इसमें होता है कार्टेज. ठीक है, सो बेसिकली आपको क्या करना है. ओके, इसके अंदर आपको ये ऐसे इस टाइप का कार्टेज मिल जाता है और एक मिल जाता है आपको इंस्ट्रक्शन बुक जिसमें आपका लिखा होता है यहाँ पे सब कुछ कि आपको कैसे यूज करना है, क्या है इसके अंदर इंग्रेडिएंट लिस्ट आपको मिल जाएगा. ठीक है, मेरा प्रॉब्लम है जो मैंने पहले ही बताया कि मेरा प्रॉब्लम है मेरा अनइवन स्किन टोन, इसलिए मैंने ब्लू वाला किया है चॉइस. सो यहाँ पे आपको इस कार्टेज में ऐसे मिल जाता है. ठीक है, तो आपको इसको सिंपली ऐसे ओपन करना है एंड ये यूजलेस है, इसका कोई काम नहीं है, तो हम इसको हटा देंगे. एंड ये है आपका कार्टेज जिसको ऐसे डाल देना है. ओके, एंड यहाँ पे आपका जो क्रीम है वो रेडी है. ठीक है, तो आपका जो प्रॉब्लम है उसकी सोल्यूशन ये कार्टेज है और आपकी जो मॉइस्चराइजर है एक्चुअली वो आपका ये ड्रामेटिकली जेली है जिसको मिक्स होके आपके पास ये क्रीम आएगा. ठीक है, सो ये ऐसा कुछ देखने में होता है. सो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट कि ये मॉइस्चराइजर करता क्या है. सो गाइज, ये मॉइस्चराइजर जो है आपके जो स्किन बैरियर है उसको प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, सो उससे क्या होता है, आपकी स्किन जो है हेल्दी होता है, आपके जो स्किन में टेक्सचर है वो स्मूथ होता है, प्लम्प होता है, हाइड्रेट रहता है. अगर आपकी स्किन हाइड्रेट नहीं है तो आपके जो पोर्स है, आपके जो ब्लैक हेड्स है, वो सब कुछ नज़र आते हैं आपके स्किन पे. ये सुनने में बहुत वियर्ड है, रियली रियली ट्रू. सो आपके स्किन को काफ़ी ज़्यादा जितना आप हाइड्रेट रखोगे उतना ज़्यादा ये सारे प्रॉब्लम्स है ये सारे धीरे धीरे कम होता जाता है. कस्टम ब्लेंड मॉइस्चराइजर है, इट्स वेरी हाइड्रेटिंग फॉर योर स्किन एंड जब आप इसको यूज़ करोगे ना आपको काफ़ी प्लम्प, आपको काफ़ी हाइड्रेट फील होगा आपके स्किन. एंड ये ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर है, ऑयली स्किन पीपल के लिए बहुत ही अच्छा है. तो मेरा जो कार्टेज है वो ब्लू कार्टेज है, आई एम टॉकिंग अबाउट ब्लू कार्टेज. सो गाइज, दिस इज
एक्चुअली फॉर अनइवन स्किन टोन, जिसके स्किन में काफ़ी टेक्सचर है, जैसे मेरे स्किन में काफ़ी टेक्सचर है फॉर एक्नी, पिंपल्स, ऑयली स्किन, सो काफ़ी टेक्सचर एंड पोर्स है, तो उसके लिए ब्लू कार्टेज इज अमेजिंग. एंड मैंने आप लोगों को दिखाया कि पर्पल जो कार्टेज है वो किसी और पर्पस के लिए है. सबसे बेस्ट बात है गाइज, जो आपको प्रॉब्लम है ना, उस प्रॉब्लम एरिया को, उस प्रॉब्लम की जो सोल्यूशन है, उसी को ये मॉइस्चराइजर टारगेट करते हैं. अगर आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग जो नीड है उसके अकॉर्डिंग आप अपना मॉइस्चराइजर, अपना एक्टिव कर्टेज जो है उसको चूज करोगे, 2 से 3 बार आप यूज करोगे, आपको अपने आप पता चल जाएगा ये मॉइस्चराइजर अपने आप में बहुत ही अच्छा काम करता है. एंड जिस पर्पज के लिए आप एक्चुअली इसको परचेस कर रहे हो वो पर्पस सीरियसली बहुत अच्छे से कवर करता है. एंड आई एम रियली इम्प्रेस अबाउट दिस मॉइस्चराइजर, आई लव इट, इट्स वेरी वेरी अमेजिंग फॉर योर स्किन. सो और सबसे बेस्ट बात है ये ऑयल फ्री है, सो कोई भी ऑयली स्किन पीपल आप यूज़ कर सकते हो. एंड मैंने फील किया है जब मैंने ये मॉइस्चराइजर आफ्टर सीरम यूज़ करती हूँ, मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कैसे यूज़ करती हूँ, ये आपके स्किन में जितने भी ऑयल है ना वो बिल्कुल सोक कर लेता है, मतलब आपको आपकी स्किन बिल्कुल फ्रेश लगेगा. मैंने कोई ऑयली या ग्रीजीनेस कुछ, इट्स नॉट टैकी ऑन योर स्किन, यू नो इट्स जस्ट इट्स नॉट स्टिकी, सो इट्स अमेजिंग एंड द फॉर्मूला इज बेस्ट. अगर आपको नहीं पता चल रहा है बाई चांस कि आपके स्किन को क्या चाहिए, आपके स्किन के लिए कौन सा बेस्ट मॉइस्चराइजर है क्या नहीं है, क्लिनिक की जो स्टोर है वहां पे जा सकते हो, आप कंसल्ट कर सकते हो, वहां पे डर्मेटोलॉजिस्ट ऑल टाइम अवेलेबल होता है, इट्स बेस्ट फॉर यू. अगर आपको पता है कि आपकी स्किन के लिए क्या नीड है, देन यू कैन गो फॉर व्हाट एवर यू वांट. ठीक है, सो गाइज आप जो है ये मॉइस्चराइजर नाइट टाइम, डे टाइम दोनों टाइम यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड ये मॉइस्चराइजर फ्रेग्रेंस फ्री है, अगर किसी को फ्रेग्रेंस से प्रॉब्लम है तो फिर ये मॉइस्चराइजर आप लोगों के लिए बिल्कुल बेस्ट है. एंड अगर मेरा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो मैं मॉर्निंग में आफ्टर फेस वॉश एंड सीरम के बाद ये मॉइस्चराइजर यूज़ करती हूँ, मैं नाइट में नहीं यूज़ करती क्योंकि मेरा नाइट टाइम स्किन केयर जो है वो अलग है. सो मैं दिन में यूज़ करती हूँ और मुझे काफ़ी लाइट वेट लगता है, टोटली फाइन विद दिस मॉइस्चराइजर. मुझे कोई पर्सनली कोई ब्रेकआउट्स नहीं हुआ है, नहीं तो मुझे, मेरा स्किन इतना ज़्यादा सेंसिटिव है, मैं कोई भी मॉइस्चराइजर लगाती हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ ब्रेकआउट्स वगैरह हो जाता है जो सूट नहीं करता है. इस मॉइस्चराइजर के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है. इट्स वेरी एक्सपेंसिव, आई नो इट्स वेरी एक्सपेंसिव, इट्स फॉर 3,800 रुपीज़, द बॉटल इज़ फॉर 2,800 रुपीज़ एंड द कार्टेज इज़ फॉर 1,000 रुपीज़, सो इट्स स्टूपिड प्राइसी, बट आई मस्ट से दिस वर्थ इट गाइज. क्लिनिक की ऑल प्रोडक्ट्स, सारे प्रोडक्ट डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, सो आपके सेंसिटिव स्किन है, आपके ड्राई स्किन है, आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग कुछ भी परचेस कर सकते हो आंखें बंद करके. एंड क्लिनिक इज़ एन अमेजिंग ब्रांड. सो या मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं कैसे इसको यूज़ करती हूँ, चलो देख लेते कैसे यूज़. सो गाइज मैंने अपना फेस बिल्कुल क्लीन कर लिया है, मैंने टोनर यूज़ कर लिया है, मैंने सीरम यूज़ कर लिया, अब मैं यूज़ करूँगी ये क्लिनिक आईडी ड्रामेटिकली जेल. एंड मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने लिया है ये ब्लू कार्टेज कॉज ऑफ इवन स्किन टोन के लिए है ये. एंड ये मैंने काफ़ी दिन हो गया यूज़ किया एंड इट्स रिजल्ट इज अमेजिंग. सो ये आपके जो यू कैन सी मे बी यहाँ पे दो एक साथ इसकी नोजल है जिससे आपके ये ब्लू वाले जो एक्टिव कार्टेज है इससे भी जेल निकलते हैं एंड ये ड्रामा ये जो जेल है ये भी निकलते हैं. बहुत ही कम क्वांटिटी आपको चाहिए होता है और ये थोड़ा सा जेल एंड वाटर कंसिस्टेंसी दोनों एक साथ है एज यू कैन सी. एंड जस्ट मसाज एंड दैट्स इट. एंड आप पूरे दिन बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करोगे, इट्स सो गुड एंड बहुत ही लाइट वेट है. अगर आप इवन सबसे बेस्ट बात मुझे ये लगी, ये सारे स्किन टोन के लिए, ऑल स्किन टाइप के लिए बेस्ट है. जब मैं ये यूज़ करती हूँ मेरे स्किन में काफ़ी मैट लुक देते हैं एंड बहुत ज़्यादा ग्रीसी, बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं लगता मेरा स्किन एंड काफ़ी
मुझे काफी स्किन में फर्क भी पड़ा है एंड मुझे काफी अच्छा लगता है. इट्स वेरी 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 लाइट वेट. एंड सो गाइज मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगी कि ये जो ये इट्स द बिग साइज ओके दिस इज अ फुल साइज बट आपको अगर इससे ट्रैवल साइज भी मिल जाएगा बट इसमें जो कार्टेज है वो आपको ट्रैवल साइज में नहीं मिलेगा. उसमें सिर्फ ये जो जेल है वही आपको मिलेगा. बट अगर आप एक बार ट्राई करना चाहते हो कि आपके स्किन के लिए सूट करता है या नहीं करता है, ऑब्वियसली इट्स वेरी एक्सपेंसिव. सो ये काफ़ी ज़्यादा चलता है, आपको बहुत टीनी टाइनी अमाउंट चाहिए होता है. ओवरऑल मैं ये कहना चाहूँगी दिस मॉइस्चराइजर इज फैंटास्टिक, इट्स अमेजिंग फॉर ऑयली स्किन एंड अदर स्किन टाइप्स. सो या यू कैन गो फॉर दिस. एंड कोई भी क्रीम कुछ भी यूज़ करने से पहले पैच टेस्ट ज़रूर कीजिए. मैं हर बारी बोलती हूँ, चाहे कितने भी बड़े बड़े ब्रांड हो चाहे कुछ भी हो, आप अपना पैच टेस्ट करके फिर अपने स्किन पे यूज़ कीजिए. सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस. एंड आई जस्ट होप कि आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा. अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच, सी यू सून गाइज, बाय.